हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम में। दोस्तों, यहाँ पे टीजीटी छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी यहाँ पे कुछ खबरें निकल के सामने आई है। और टीजीटी का रिजल्ट किस दिन आएगा, पहला क्वेश्चन आपका ये था। दूसरा था ये कि टीजीटी के किन विषयों की कट आपकी बहुत ही ज़्यादा जाएगी और टीजीटी के किन विषयों की कट आपकी बहुत ही कम जाएगी। तो पूरा वीडियो ध्यान देखिएगा, अपने अपने सब्जेक्ट मिला लीजिएगा कि कौन सब्जेक्ट में बता रहा हूँ, किसकी कट आप ज़्यादा जाएगी, किसकी कट आप कम जाएगी। पहला डाउट आप लोगों का ये था कि टीजीटी का रिजल्ट किस दिन आएगा, आपको मैं डेट दिखाऊंगा फिक्स, ठीक है। चलो, अभी तक ये खबर निकल के सामने आई थी, मैं अभी आपको अभी खबर निकाल के खबर बता रहा हूँ, अभी अभी की लेटेस्ट खबर निकल के सामने आई कि 31 अक्टूबर से पहले ही कहा गया था कि आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। 31 अक्टूबर से पहले मतलब 27-28 को रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन बीच में ये खबर निकल के सामने आपकी आई है कि माध्यमिक शिक्षा संयुक्त चयन बोर्ड के समस्त प्रतियोगी भाइयों बहनों को सूचित करना है कि चयन बोर्ड में इंटरव्यू की व्यवस्था करना अगले 4 दिनों तक टीजीटी की आने की संभावना बिल्कुल नहीं है, लेकिन प्रतियोगी मोर्चा का प्रयास जारी है तो 20 अक्टूबर तक टीजीटी रिजल्ट ले लिए जाएंगे। आप मान के चलिए कि टीजीटी रिजल्ट 21 तारीख को आएगा और 9:10 या 9:15 पे आएगा, राति के टाइम आएगा, आपको ज़्यादातर राति के टाइम में देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से 9:10, 9:15 पे आएगा और 21 तारीख को कंफर्म आ सकता है, ठीक है। 20 को शायद कम आए, लेकिन 21 को ज़्यादा चांस है आपके टीजीटी रिजल्ट देखने को बिल्कुल मिल फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही टीजीटी रिजल्ट 21 तारीख को आएगा, सबसे पहले आप मेरे चैनल पर आप अपडेट देखेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब बात रही कि टीजीटी के किन विषयों का आपकी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो ध्यान से समझिएगा। चलिए भाई, तो टीजीटी के इन विषयों का आपकी बहुत ही हाई देखने को इस बार मिलेगी। बात रही फिजिकल एजुकेशन की, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन की कटाव मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन की कटाव आपकी दोस्तों जनरल के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। जनरल में अगर आपके 97 क्वेश्चन तो आपके चांस हैं, 97 से कम नहीं होने चाहिए, 95 तक है तो कोई बात नहीं, लेकिन 95 से बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए। अब बात रही फिजिकल एजुकेशन में, EWS OBC में आपका यही कि 2 क्वेश्चन कम कर सकते हो, 95 या 93 कर सकते हो, ठीक है। और SC ST कास्ट में आप लोग 91 क्वेश्चन कर सकते हो और इससे कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। बात रही बायो, ठीक है, काफ़ी छात्रों ने अटैम्प्ट किए थे क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आपके बायो में होने चाहिए। अब बात रही आपकी ये संस्कृत की कटाव, ठीक है। संस्कृत कटाव इस बार काफ़ी आई देखने को मिलेगी दोस्तों, ठीक है। ये सब्जेक्ट के लिए बहुत ही खतरनाक सब्जेक्ट है, इसकी कटाव की बहुत ही हाई देखने को मिलेगी। जनरल के लिए मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग 2-2 क्वेश्चन कम कर लेना, 110 क्वेश्चन तो आपके होने चाहिए या तो फिर 108 क्वेश्चन बाद, इससे कम आपके नहीं होने चाहिए, नहीं तो संस्कृत में आपका बिल्कुल चांस नहीं है, ठीक है। अब EWS OBC में 106 क्वेश्चन कर सकते हो और SC ST कास्ट में 104 क्वेश्चन तक कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी ही आपकी कटाव जाएगी, इन विषयों की कटाव आपको काफ़ी हाई देखने को मिलेगी। अब बात रही कि टीजीटी के किन विषयों की कटाव बहुत ही कम जाएगी, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलो भाई, तो टीजीटी के इन विषयों की कटाव इस बार बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। हिंदी की कटाव आपको कम देखने को मिलेगी, 3-4 क्वेश्चनों का बोनस अंक इस बार देखने को मिल सकता है, ये भी खबर निकल के आई थी सामने, लेकिन अब कोई इसमें बातचीत नहीं हो रही तो आपको नहीं बता रहे हम, ठीक है। लेकिन बीच में खबर आई थी कि 3 क्वेश्चनों के इसमें बोनस अंक देखने को मिलेगा, ठीक है। अब दूसरा सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में आपको 86 क्वेश्चन तक सही होने चाहिए जनरल कास्ट में, ठीक है। तीसरा सब्जेक्ट है आपका साइंस, ठीक है। साइंस का भी पेपर थोड़ा टफ आया था, तो 82 क्वेश्चन आपका जनरल से होने चाहिए, 2-2 क्वेश्चन आप कम कर सकते हैं EWS OBC SC ST कास्ट में। और आपका मैथ में भी, मैथ में आपके 81 क्वेश्चन होने चाहिए जनरल से, ठीक है। अब एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, तीसरा, चौथा हो गया, 5वां सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान, 6ठा आर्ट, इसमें भी अनुमान लगाया गया है कि इनकी भी कटाव पिछली बार के बच्चे थोड़ी क्वेश्चन कम हो सकती है, ठीक है। तो दोस्तों, ये कि टीजीटी का रिजल्ट आपकी 21 तारीख तक अनुमान लगाया गया है, टीजीटी का रिजल्ट 21 तारीख को आपको रात के 9:10, 9:15 पे आ सकता है। जैसे ही मैं अपने चैनल पर आपको अपडेट करूँगा, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर बनता है, चैनल सब्सक्राइब आप लोग बिल्कुल नहीं करते हो, जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की कोई भी लेटेस्ट न्यूज आएगी सबसे पहले आप मेरे चैनल पे ही देखते होंगे, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।